गांव हो या फिर शहर हो, हर जगह देखो तो लोग ड्रीम इलेवन खेल रहे हैं। बट ड्रीम इलेवन पे टीम कैसे क्रिएट की जाती है यह लोगों को कम पता है। टीम तो कोई भी बना सकता है, टीम कैसे भी बना के आप खेल सकते हैं, ठीक है। टीम कैसे भी बना के आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, टीम किसी भी तरह की बना के आप 1 करोड़ की लीग या फिर स्मॉल लीग की लीग दोनों खेल सकते हैं, ठीक है। बट टीम कैसे आप बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे कि आप विन कर सकते हैं, जो ना जानने के कारण ही लोग लॉस में हैं, ठीक है। टीम कैसे क्रिएट की जाती है, किस कॉम्बिनेशन में बनाएं आप टीम की आप विन कर सकते हैं, यह आप जान गए तो आप आसानी से ड्रीम इलेवन पे विन कर सकते हैं। ग्रैंड लीग हो या फिर स्मॉल लीग, दोनों में आप आसानी से विन कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप ये वीडियो फुल वॉच करते हैं तो आप 100% विन करोगे, ठीक है। आप अपनी खुद की टीम क्रिएट करो या फिर हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप हमारी टीम से भी खेल सकते हो। लेकिन आप खुद की भी टीम अगर क्रिएट करते हो तो आप यह नहीं बोलोगे कि मैंने जो बोला वीडियो में वो गलत बोला है, ठीक है। बट टीम बनाने का फार्मूला जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है बैटिंग पिच पे टीम कैसे क्रिएट करें, अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाके आप वहाँ से देख सकते हो। तो बॉलिंग पिच पे आप टीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको टोटल 4 कॉम्बिनेशन बताऊँगा जिसकी मदद से आप आसानी से बॉलिंग पिच पे टीम बना सकते हो और विन कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, अगर आप इस कॉम्बिनेशन को अपनाते हो तो आप आसानी से विन करोगे। उसके बाद मैं 3 कॉम्बिनेशन और बताऊंगा जिसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक एक कॉम्बिनेशन अपनी जगह पे बढ़िया है और किस कॉम्बिनेशन में कौन से प्लेयर ऐड करने हैं जिसकी मदद से आप विन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अभी तक आप टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं हमारे तो टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ड्रीम इलेवन से जुड़ी और ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन मिलती। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और बॉलिंग पिच पे टीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके 4 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूँ। तो कॉम्बिनेशन नंबर 1 समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से देखें वीडियो को तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लें, यहाँ पर ड्रीम इलेवन पे सबसे पहले यहाँ पे रहते हैं विकेट कीपर सेक्शन, ठीक है, विकेट कीपर सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे बैटिंग सेक्शन रहता है, उसके बाद यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन, उसके बाद यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन, ठीक है। 4 टाइप के सेक्शन रहते हैं ड्रीम इलेवन पे, और उनमें से अलग अलग प्लेयर ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉलिंग पिच पे आपको टीम क्रिएट करना है, तो कॉम्बिनेशन नंबर 1 जो हमारा है यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में, विकेट कीपर सेक्शन में एक विकेट कीपर आपको रखना है, ठीक है। अगर आप बॉलिंग पिच पे टीम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक ही विकेट कीपर अपनी टीम में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखना है बैटिंग सेक्शन में 3 बैट्समैन, वो भी 3 प्लेयर ऐसे रखने हैं जो कंसिस्टेंस हो, ठीक है, हर तरह की पिच पे खेलना आता हो, जैसे 10 मैच में से 8 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, ऐसे प्लेयर को अपनी टीम में रखना है, वो भी बैटिंग सेक्शन में, ठीक है। ऐसे बैट्समैन को अपनी टीम में रखना है जो कंसिस्टेंस हो और 10 में से 8 मैच हो या फिर 7 मैच हो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, ऐसे बैट्समैन को अपनी टीम में रखना है बॉलिंग पिच पर, ठीक है, सिर्फ बॉलिंग पिच के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बैट्समैन रख लें, और 3 बैट्समैन में से 2 बैट्समैन या फिर 3 बैट्समैन जो होंगे वो एक टीम के हो सकते हैं या फिर दोनों टीम के हो सकते हैं, ठीक है, या आपके स्टेट्स के आधार पे होगा, ठीक है। आपने कैसी स्टेट्स इकट्ठी की है उसके हिसाब से आप यहाँ पे बैट्समैन को अपनी टीम में रखें, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे विकेट कीपर 1 रहेंगे, उसके बाद 3 बैट्समैन यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में जो रहेंगे 4 ऑलराउंडर रहेंगे, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर कोई तो ये टीम बना देगा, बट टीम को समझाना मेरा काम है और टीम को समझना आपका काम है, ठीक है। अगर आप टीम को समझ गए तभी आप टीम को अप्लाई कर सकते हो और विन कर सकते हो, ठीक है। बट उसमें कैसे प्लेयर ऐड करना है और कौन से प्लेयर रहेंगे यह आपको पता नहीं चलेगा और कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप मत करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में 4 ऑलराउंडर रहेंगे, ठीक है। ये चारों ऑलराउंडर का क्या काम होगा यहाँ पर ध्यान से देखें, चारों ऑलराउंडर यहाँ पर 4-4 ओवर बॉलिंग करेंगे। चारों ऑलराउंडर ऐसे होंगे जो वनडे हो या फिर T20 या फिर T10 हो या फिर टेस्ट हो, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट का जो मैच होगा उसमें क्या करेंगे ऑलराउंडर यहाँ पे अपना फुल ओवर बॉलिंग करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए T20 का मैच है, यहाँ पे T20 का मैच है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4-4 ओवर बॉलिंग कराएंगे, यहाँ पे 4-4 ओवर बॉलिंग कराएंगे चारों ऑलराउंडर, ठीक है। यहाँ पे 3 जो हैं एक टीम के हो सकते हैं या फिर 2 एक टीम के हो सकते हैं या फिर 4 एक टीम के हो सकते हैं, ठीक है। ये अपनी रिसर्च के बेसिक पे रखें, ठीक है, कैसे परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर और बैट्समैन उसके बेसिक पे अपनी टीम में रखें, ठीक है। बट कम्बिनेशन यही रहेगा, पिच जो रहेगा बॉलिंग रहेगा, ठीक है, बट रिसर्च के बेसिक पे ही आपके प्लेयर रहेंगे। अगर आप रिसर्च करते हैं प्लेयर कौन सा बढ़िया है और कौन सी टीम मजबूत है तो उसके बेसिक पे ही टीम में अपने यहाँ पर 4 ऑलराउंडर रखें, ठीक है। तो यहाँ से 4 ऑलराउंडर के बारे में आपको पता चल गया कि यहाँ पर 4 ऑलराउंडर एक टीम के हो सकते हैं या फिर 2 एक टीम के हो सकते हैं या फिर 3 एक टीम के हो सकते हैं, ठीक है। आपके रिसर्च के बेसिक पे होगा आपने कैसी रिसर्च की है और किस टाइप की टीम है
उसके बेसिक पे आप बॉलिंग पिच पे ऐसी टीम बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉलर रहेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑलराउंडर हो गए, अब यहाँ पे जो बॉलर रहेंगे यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे नीचे जो बॉलर रहेंगे, तीन बॉलर एक टीम के हों या फिर दोनों टीम के मिला के हों, ठीक है, उनमें से जो बॉलर रहेंगे डेथ ओवर के बॉलर रहेंगे, ठीक है। ज़्यादातर आपको अप्लाई क्या करना है, डेथ ओवर के बॉलर को ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे दो एक टीम के हो सकते हैं या फिर तीनों एक टीम के, या फिर यहाँ पे एक ही रहेगा एक टीम के, ठीक है। यहाँ पे दोनों टीम मिला के आप रखे बॉलर या फिर एक ही टीम के रखे। एक बात यहाँ पे गौर कीजिए, अगर आप एक ही टीम के तीनों बॉलर रख रहे हैं तो उनमें से जो दो रहेंगे डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे, ठीक है। डेथ ओवर का मतलब क्या होता है, 18 ओवर या फिर 17 ओवर के बाद का जो ओवर रहता है उसमें क्या होगा, जो बॉलर बॉलिंग कराता हो ऐसे बॉलर्स को अपनी टीम में रखना है आपको, ठीक है। और एक बॉलर जो रहेगा अच्छा बॉलर रहेगा, जिसका परफॉर्मेंस जो रहेगा लास्ट 5 मैचेस में अच्छा होगा, ऐसे बॉलर्स को एक को रखना है, ठीक है। अगर तीन बॉलर एक ही टीम के आप रख रहे हैं तब, ठीक है, नहीं तो आप दोनों टीम के मिला कर रख रहे हैं तो उनमें से जो रहेंगे बॉलर 17 ओवर के बाद जो बॉलिंग कराते हैं ऐसे बॉलर्स को अपनी टीम में रखना है, ठीक है। क्योंकि बॉलिंग पिच पे वही बॉलर्स ज़्यादा विकेट लेगा जो डेथ ओवर में बॉलिंग कराएगा और प्लस शुरुआत में बॉलिंग कराएगा, ठीक है। तो डेथ ओवर में ज़्यादातर विकेट गिरते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही बॉलर्स को अपनी टीम में आपको रखना है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे एक विकेट कीपर रखना है, ठीक है, वो भी उसका भी परफॉर्मेंस जो रहेगा वो बढ़िया रहेगा। तीन बैट्समैन रखने हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, कंसिस्टेंस प्लेयर हो, ठीक है, हर मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हों। और यहाँ पे जो चार ऑलराउंडर रहेंगे उनके ओवर जो रहेंगे किसी भी फॉर्मेट में फुल ओवर रहेंगे, मतलब कि फुल ओवर अपना करा के जाते हों, ऐसे ऑलराउंडर को अपनी टीम में रखना है आपको, ठीक है। और नीचे जो बॉलर रहेंगे डेथ ओवर के बॉलर रहेंगे और जिनका परफॉर्मेंस लास्ट 10 मैच में अच्छा हो ऐसे बॉलर्स को अपनी टीम में रखें, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको कॉम्बिनेशन नंबर 1 बता दिया, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन नंबर 1 है जिसकी मदद से आप आसानी से विन कर सकते हो। बट एक किस टाइप की पिच पे बनाना है, बॉलिंग पिच पे बनाना है। और एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, कॉम्बिनेशन कब काम करेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑलराउंडर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलराउंडर 4-4 ओवर अपना डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो बॉलर रहते हैं, यहाँ पे मान के चलिए बॉलिंग सेक्शन में 4-5 बॉलर रहते हैं, ठीक है, तो 4-5 बॉलर में से क्या होगा, यहाँ पे ऑलराउंडर जो रहेंगे अपने फुल ओवर डाल देंगे तो कुछ जो बॉलर रहेंगे उनके ओवर कट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर उनको बॉलिंग कराने का मौका कम मिलता है, इसलिए उनको ड्रॉप कर दें, जो बॉलिंग सेक्शन में ऐसे बॉलर हों उनको ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो यह कैसे पता चलेगा कौन सा बॉलिंग करा रहा है और कौन सा बॉलर बॉलिंग नहीं करा रहा है, ठीक है, इसके लिए आपको मैच देखना पड़ेगा, सीरीज देखना पड़ेगा, किस ऑलराउंडर ने अपना फुल ओवर डाला है या फिर किस बॉलर ने अपना फुल ओवर कराया है या फिर किस बॉलर ने 1-2 ओवर डाला है या फिर कौन सा ऑलराउंडर है जो बॉलिंग नहीं करा है, ठीक है। ये आपको मैच देखना पड़ेगा, 1-2 मैचेस देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर आप मैचेस देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप मैचेस नहीं देख रहे हैं तो आप स्कोर कार्ड देख के भी ऐसी टीम बना सकते हैं, ठीक है। स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलराउंडर बॉलिंग करा रहा है या फिर बॉलर बॉलिंग करा रहा है, ठीक है। अगर ऑलराउंडर बॉलिंग नहीं करा रहा है तो यहाँ पे ऑलराउंडर को अपनी टीम में नहीं रखना है, ठीक है। तो यह कॉम्बिनेशन कब काम करेगा, जब आप स्टेट्स देखते हो या फिर स्कोर कार्ड देखते हो या फिर मैच देखते हो, तभी आप एक कॉम्बिनेशन बनाएं। बट वह जो रहेगा आपके रिसर्च के बेसिक पे रहेगा, आपके स्टेट्स के बेसिक पे ही ये टीम क्रिएट होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड कॉम्बिनेशन की, ठीक है, सेकेंड कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में यहाँ पे एक विकेट कीपर रखना है आपको, बैट्समैन सेक्शन में यहाँ पे 3 बैट्समैन रखने हैं, ठीक है, तीनों बैट्समैन अच्छे प्लेयर हों जिनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो, ठीक है, ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना है। तो तीनों ऑलराउंडर का वही काम हो जो मैंने आपको फर्स्ट कॉम्बिनेशन में बताया था, यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट में इनको फुल ओवर मिलना चाहिए, T20 में इनको 4 ओवर मिलना चाहिए, वनडे में इनको 10 ओवर मिलना चाहिए, T10 में इनको 2 ओवर मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट देख के और यहाँ पे फुल ओवर कौन सा करा रहा है उसके बेसिक पे यहाँ पे ऑलराउंडर आपको रखने, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऑलराउंडर को अपनी टीम में रखना है जो फुल ओवर अपना कराते हों किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है, ऐसे ऑलराउंडर को अपनी टीम में रखना है। उसके बाद यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे आपको 4 बॉलर रखने हैं, ठीक है, 4 बॉलर में से ऐसे कुछ बॉलर रहते हैं जो डेथ ओवर में बॉलिंग कराते हैं प्लस बॉलिंग पिच है, तो बॉलिंग पिच में शुरुआत से ही विकेट गिरने चालू हो जाएंगे, ठीक है। बट उनमें से जो अच्छा, जिसका परफॉर्मेंस हो, जिसका रिसेंट मैच अच्छा हो, जिसने रिसेंट मैचेस में अच्छे विकेट लिए हो, ऐसे बॉलर्स को अपनी टीम में रखना है, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग पिच है और बॉलिंग पिच पे ऑटोमेटिक जो रहेंगे, जो बॉलर्स विकेट नहीं लेता हो उसको भी विकेट मिलते हैं, ठीक है। बट ऐसे प्लेयर को रखें जो जिसके परफॉर्मेंस अच्छे हों और जो डेथ ओवर में बॉलिंग कराता हो उसके विकेट ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, जिसकी मदद से आपके पॉइंट बनेंगे और आप आसानी से विन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको समझा दिया सेकंड कॉम्बिनेशन, जिसको आप ट्राई कर सकते हो, और सेकंड कॉम्बिनेशन भी अगर आप बना रहे हैं तो रिसर्च करके बनाएं, बिना रिसर्च के आप ऐसी कॉम्बिनेशन ना बनाएं, ठीक है। आपको रिसर्च करना आता हो, आपको प्लेयर का इन्फॉर्मेशन पता हो, तभी आप बॉलिंग पिच पे ऐसी टीम बनाएं, ठीक है, नहीं तो आप मत बनाएं, ठीक है।
सबसे मेन जरूरी क्या रहता है कि प्लेयर का इन्फॉर्मेशन, ठीक है, प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा है, वैसे प्लेयर को अपनी टीम में रखें, उसके बाद ही आप ऐसी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने आपको सेकंड कॉम्बिनेशन बता दिया जिसकी मदद से भी आप विनिंग कर सकते हो और अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप मेरी वीडियो देख के बना रहे हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले प्लेयर के स्टेट्स देखें, ठीक है, प्लेयर का रिसेंट फॉर्म देखें, उसके बाद ही ऐसी कॉम्बिनेशन बनाएं, तो आप 100% मैं बोल रहा हूँ आप आसानी से विनिंग करोगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन नंबर 3 में क्या करना है आपको, यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में एक विकेट कीपर रखना है, उसके बाद यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में वही 3 बैट्समैन रखने हैं, उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे 2 ऑलराउंडर रखने हैं जिनका ओवर जो है फुल हो, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर ऑलराउंडर अपना फुल ओवर करा रहा है किसी भी मैच में, ठीक है, तो बॉलिंग पिच पे ऑलराउंडर को अपनी टीम में रखो, नहीं तो मत रखो, ठीक है, क्योंकि ऑलराउंडर कोई भी पॉइंट नहीं दे सकता है, ठीक है, क्योंकि बैटिंग करने आएगा और बॉलिंग पिच पे आउट भी हो सकता है जिसकी वजह से उसके पॉइंट कम बनेंगे, अगर बॉलिंग करा रहा है तो विकेट लेगा जिसकी वजह से उसके पॉइंट जो रहेंगे हाई बनेंगे, ठीक है। तो अपनी टीम में रखें अगर बॉलिंग करा रहा है तो, अगर बॉलिंग नहीं करा रहा है, अगर अच्छा बैट्समैन है तभी रखें, नहीं तो मत रखें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑलराउंडर अपनी टीम में रखें तीसरे नंबर कॉम्बिनेशन में, ये भी फुल अपना ओवर कराते हों, और यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में आपको 5 बॉलर रखने हैं जो अपना फुल ओवर कराते हों, प्लस यहाँ पे डेथ ओवर के कुछ बॉलर हों, ठीक है, डेथ ओवर के, और एक टीम के यहाँ पे 3 बॉलर हों या फिर 4 बॉलर हो सकते हैं, या फिर एक टीम के 1-2 बॉलर हो सकते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर रखें, बैट्समैन रखें और विकेट कीपर रखें, ठीक है, रिसर्च करके ही रखें, बिना रिसर्च के कोई भी प्लेयर अपनी टीम में ना रखें, ठीक है, क्योंकि आप 1-2 मैच जीत सकते हो बिना रिसर्च के, बट हर मैच नहीं विन कर सकते हो आप। 10 में से 8 या फिर 7 मैच विन करना है आपको तो आप आसानी से विन कर सकते हो, बट आपको रिसर्च करके और टीम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बॉलिंग पिच पे टीम बनाई जाने वाली यहाँ पे 3rd कॉम्बिनेशन मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है 4th कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसकी मदद से आप आसानी से विन कर सकते हो बॉलिंग पिच पे, ठीक है। अगर बॉलिंग पिच पे या कॉम्बिनेशन आप अपनी टीम में ट्राई करते हो तो आप आसानी से, मैं बोलता हूँ, 100% विन करोगे किसी कॉन्टेस्ट में, ठीक है। स्मॉल लीग खेल रहे हो तो आप आसानी से विन करोगे, और GL में ट्राई करते हो तो GL में ऐसे कॉम्बिनेशन बना के आप ट्राई करो, बट बॉलिंग पिच पे, ठीक है, बॉलिंग पिच ना हो, बैलेंस पिच हो या फिर बैटिंग पिच हो तो उस पर मत ट्राई करो, ठीक है। बॉलिंग पिच पे सिर्फ यह कॉम्बिनेशन बनेगा, और यहाँ पे बॉलर्स को मैंने यहाँ पे ज़्यादा रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही प्लेयर रखने हैं, सेम बैट्समैन और विकेट कीपर वही रहेंगे जो कंसिस्टेंस प्लेयर हो, जो हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, ठीक है, 10 मैच में से 8 या फिर 7 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 ऑलराउंडर रहेगा, ठीक है, किसी भी टीम का हो सकता है, और ये अपना फुल ओवर कराएगा, प्लस यहाँ पे बैटिंग भी जो करता हो, 5 नंबर 4 नंबर पे बैटिंग करता हो, ठीक है, ऐसे ऑलराउंडर को अपनी टीम में आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 बॉलर रखने हैं, ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में 6 बॉलर रहेंगे, इनमें से 3 जो रहेंगे एक टीम के हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर टीम बैलेंस है, मतलब दोनों ही स्ट्रांग टीम है, तो यहाँ पे 3-3 बॉलर रखें एक टीम के, या फिर 2 एक टीम के और 1 4 टीम के, ठीक है, या फिर 4 एक टीम के, ठीक है। अगर टीम वीक और स्ट्रांग है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 बॉलर जो रहेगा वीक टीम का रहेगा, और 5 यहाँ पे बॉलर रहेंगे जो स्ट्रांग टीम के रहेंगे, ठीक है। तो यह भी आपको रिसर्च करना है, उसके बाद ही अपनी टीम में ट्राई करना है, ठीक है। और इनमें से जो ज़्यादातर बॉलर रहेंगे डेथ ओवर के बॉलर रहेंगे, डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे तभी इनको रखें, ठीक है, अगर नहीं करा रहे हैं डेथ ओवर में बॉलिंग तो उनको मत रखें, जो डेथ ओवर में ज़्यादातर बॉलिंग कराते हैं ऐसे प्लेयर को अपनी टीम में रखें। कि होता क्या है, कभी कभी अच्छे जो बैट्समैन रहते हैं रुक रुक के खेलते हैं, ठीक है, बॉल ज़्यादा खाते हैं, रन कम बनाते हैं, ठीक है, बट क्या करते हैं, रुक रुक के खेलते हैं जिसकी वजह से विकेट उनका कम गिरता है, ठीक है। तो डेथ ओवर में क्या होता है, वैसे बैट्समैन भी अच्छा रन बनाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, क्योंकि डेथ ओवर में हर कोई चाहता है कि 2-3 ओवर बचे हैं, थोड़ा ज़्यादा रन बना लें, ज़्यादा अच्छा से खेल लें, तो उसके चक्कर में क्या होता है, बॉलिंग पिच पे ज़्यादातर विकेट गिरते हैं, ठीक है, डेथ ओवर में ज़्यादातर एक ओवर में 3 या फिर 4 विकेट गिर सकते हैं डेथ ओवर में, ठीक है। तो 17 ओवर के बाद जो बॉलर बॉलिंग कराता हो ऐसे बॉलर्स को अपनी टीम में आप ऐड कर लो, ठीक है, तभी एक कॉम्बिनेशन ट्राई करो, और बॉलिंग पिच पे यह कॉम्बिनेशन आपको 100% विन करा के जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 4 कॉम्बिनेशन बताए जिसकी मदद से आप आसानी से विनिंग कर सकते हो बॉलिंग पिच पे, ठीक है। बॉलिंग पिच पे अगर आपको इसी कॉम्बिनेशन से टीम बनाना है तो आपको रिसर्च करना होगा, सबसे पहले पिच रिपोर्ट पता करें, उसके बाद प्लेयर का इन्फॉर्मेशन पता करें, ठीक है। प्लेयर का इन्फॉर्मेशन अगर आप पता करते हैं तो आप आसानी से विन कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई हो तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।